चंदी पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। दो वाहन चोर गिरफ्तार। चार बुलेट, दो होंडा शाइन और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद। चोर बाइक चोरी करने के बाद, नंबर बदलने के बाद फर्जी नाम पते की आईडी बनाकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा कर ओएलएक्स पर पेच करते हैं। बाइक चेकिंग के दौरान नौचंदी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, थाना नौचंदी पुलिस ने दो ऐसे वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। कहां से पकड़ा गया और कितनी बुलेट इनसे बरामद हुई? ये थाना नौचंदी की टीम ने चेकिंग करते वक्त दो व्यक्तियों को संदिग्ध पाया और उन्हें पकड़ा। पकड़ने के पश्चात पूछताछ की तो समझ में आया कि ये वाहन चोर हैं और उनकी उनसे और पूछताछ करने पे चार बुलेट हैं, दो होंडा शाइन और एक स्प्लेंडर, ये मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनका मोटस ऑपरेंडी पूछताछ में ये समझ में आया कि ये चोरी की गाड़ियों को ओएलएक्स पे फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी कागज़ के साथ बेच देते हैं और उसके थ्रू ये धन अर्जित करते हैं। किस तरीके से चुराते थे और आगे की मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने चुराया तक राज्यों में? ये यूपी में ही विभिन्न जिलों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। करीब आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इन दोनों के खिलाफ दर्ज हैं। गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, मेरठ, बागपत, ये मेजर चार पांच जिले जो आसपास के हैं, इनमें इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। सर, सोशल मीडिया को इन्होंने एक बिक्री का केंद्र बना रखा है, तो किस तरीके से ट्रेस हुए? ये ट्रेस तो संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग में हुए हैं, लेकिन इनसे पूछताछ में पता चला कि इन्होंने ओएलएक्स को और सोशल मीडिया का यूज़ करके ये क्राइम कमिट करते थे। सर, कुछ खरीदार भी पकड़ में आए हैं क्या? अभी तक ये दोनों ही पकड़ में आए हैं। राजकुमार, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन